Hey guys, welcome back to my channel Nupur's Vlog. How are you all guys? So अभी आप देख रहे हो पीहू को रंगोली बनाते हुए. आज दिवाली है तो रंगोली पीहू ने बनाई है और ये सच में इतनी प्यारी रंगोली बनाई पीहू ने. वो इतनी छोटी है बट फिर भी. अब शाम हो चुकी है और यहाँ पे दिवाली के दिन जो पूजा होती है लक्ष्मी जी गणेश जी की, उनकी तैयारी हो रही है. तो यहाँ पे दिए वगैरह ये सब डेकोरेशन वगैरह हो चुकी है और हम सब ने मिलके ये कर लिया है. और जो बचा खुचा है वो अब मम्मी कर रही हैं. अब मंदिर अच्छे से डेकोरेट हो चुका है और सारे प्रसाद दिए सब कुछ यहाँ पे अच्छे से लगा दिए गए हैं. बस पूजा होना बाकी है. तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो भगवान के पास चांदी के सिक्के और पैसे, इनकी पूजा होती है तो यहाँ पे वो सब रख दिए गए हैं. और मंदिर बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट किया गया है, बहुत प्यारा लग रहा था. और सामने जो देख रहे हो आप, ये मेरे गुरु हैं ठाकुर जी, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी. आरती का टाइम हो गया अब और यहाँ पे कज़न ब्रदर जो है वो भी हेल्प कर रहे हैं दिए जलाने में मम्मी की. और ये मेरे चाचू के बेटे हैं और वाइट शर्ट में जो है वो तो मेरा रियल ब्रदर है. तो यहाँ पे आरती की तैयारी हो रही है. अब यहाँ पे आरती हो रही है और मम्मी आरती कर रही हैं. डार्क पिंक साड़ी में जिनको आप देख रहे हो, ये मेरी कज़न सिस्टर है. आरती होने के बाद यहाँ पे मैं भगवान से प्रे कर रही हूँ हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो और आप सबकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो. हम सबकी दिवाली बहुत अच्छी हो और हर बार ऐसी दिवाली ही जाए. अब मैं आपको अपना घर दिखा रही हूँ बाहर से. दिवाली में ये कुछ ऐसा दिख रहा था और हम लोगों ने ज़्यादा लाइट नहीं जलाई थी. लाइट जो भी जलाई थी वो घर में इनफ लाइटिंग हमने लगा रखी है तो रोशनी बहुत अच्छे से हो रही थी, इसलिए लड़ियों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी. आप जैसे देख रहे हो वो पर्पल वाला घर, ये भी घर मेरा ही है बट इसका कलर और डिज़ाइन हमने डिफरेंट बनाया है और जिसमें हम रह रहे हैं ये डिफरेंट है. सो ये बहुत प्रिटी लगता है देखने में और लाइटिंग इतनी अच्छी है. देखो आप लाइटिंग कितनी अच्छी है, इसमें ज़्यादा लाइट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. और ये रंगोली जो पीहू ने बनाई थी ये कितनी प्यारी लग रही है. अब मैं सारे घर में दिए लगा दूँगी जो जलाने के लिए दिए होते हैं, छत पर और सारी बाउंड्रीज पे, गेट्स पर ये दिए तो ज़रूर जलाए जाएंगे. रंगोली पे गाइस जो मैंने सेट पहना है ये मेरा नहीं है, ये मेरी मदर का है. और ये ज्वेलरी जो है मॉम ने तनिष्क से ली थी तो ये बहुत ही प्रिटी सेट है. और मेरी आउटफिट के अकॉर्डिंग गोल्डन ही कुछ जा रहा था तो फिर मम्मी ने कहा आप यही पहन लो, तो फिर मैंने मॉम की ज्वेलरी पहन ली. नीचे तो लाइट चली नहीं इसकी तो फिर यहाँ ऊपर आके हमने ये लैंप चलाई.
और मम्मी ने अब ड्रेस चेंज कर ली है क्योंकि मम्मी को बस पूजा करने के लिए वो ड्रेस पहनना था, तो अब यहाँ पे प्रसाद कट करके वो सबको। मेरे घर की दिवाली पूजा कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम सब दी के घर पे पूजा करने के लिए आए और ये दी का घर है, तो मैं आपको अब अंदर से दिखाती हूँ दी ने कितने अच्छे से घर को डेकोरेट किया था दिवाली के लिए। ये मेरी बड़ी दी का घर है जो रेड साड़ी में आपको दिख रही है, ये मेरी बड़ी सिस्टर है रियल सिस्टर। तो अब बस यहाँ पे आरती हो रही है, दी ने सब कुछ डेकोरेशन वगैरह सब कुछ खुद से किया था, बहुत ही प्रेटी किया था। और जो लाइटिंग घर के बाहर की थी वो तो उन्होंने किसी से लगवाए थे, बट ये घर में जो मंदिर है इसके डेकोरेशन सब कुछ दी ने किया था, बहुत प्यारा लग रहा था ये। तो बस अब यहाँ पे आरती हो रही, पूजा करने के बाद आरती सारे घर में दिखाई जाती है, ये रिचुअल्स हैं। तो अब यही बस मेरी छोटी सिस्टर कर रही है, सारे घर में आरती दिखा रही है दी के। ऐसे तो हमारी दिवाली अच्छी गई, बट जो हम मिस कर रहे थे वो थे पापा और जीजू, वो दोनों ही इस दिवाली आ नहीं पाए। उनके बिना हमारी दिवाली तो अधूरी थी, बट फिर भी हमने सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया। और पापा और जीजू भी जहाँ थे उन्होंने भी एंजॉय किया, हमने बात की और नेक्स्ट ईयर हम सब साथ में मिल के दिवाली सेलिब्रेट करेंगे।